नमस्कार, मैं एमके मिश्रा ऑल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमेरिका चुनाव में ट्रंप ने पटकनी दी है जो बाइडेन को। कैसे पटकनी दी है आपको पता होगा। जो बाइडेन जो कि शुरुआती चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे उसमें वो आगे चल रहे थे, जिसको लेकर के ट्रंप कोर्ट की तरफ ट्रंप ने रोक किया था और ट्रंप ने ये दावा किया है। और उस दावे बता दूं कि कैसे जो बाइडेन को पटकनी दी है, पेंसिल्वेनिया में कानूनी जीत गए हैं ट्रंप। जी हां साहब, जो ट्रंप ये जीत का बाइडेन जो जीत का दावा कर रहे थे, वहीं ट्रंप आज साफ तौर पे पेंसिल्वेनिया के वहां पर कानूनी जीत हुई है। इसके अलावा बहुत कुछ है। मैं आपको बता दूं, यहां पर आज हिंदुस्तान में ईवीएम से चुनाव होते हैं, वहां पर अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। अब समझिए, आज ये पेंसिल्वेनिया की जीत जो ट्रंप की है वो कैसे सवाल खड़े करती है हमारे हिंदुस्तान में भी, जो पहले चुनाव होता था। जी हां साहब, जो चुनाव होते थे, जो अब ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, उस समय जब भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, अमेरिका जैसे देश में जब धांधली हो रही है तो भारत में कैसे धांधली होती थी। और आज इस बात को, जो पेंसिल्वेनिया है जहां से आज ट्रंप ने जीत कानूनी जीत मिली है, उसके बाद अन्य सीटों पर ट्रंप ने दावा ठोक दिया है और जो बाइडेन जो जीत की तरफ बढ़ रहे थे उनके जीत पर ब्रेक लगा दिया है। चलिए ले चलता हूं क्या है पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करता हूं वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दें। अमेरिकी राष्ट्रपति नतीजों में के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि जहां जहां वे प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से आगे हैं या जीत रहे हैं, वहां वहां वो कानूनी चुनौती देंगे। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि उनके पास सारे सबूत हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वह जीतेंगे। ट्रंप ने ट्वीट किया है, आपके सामने एक ट्वीट नजर आ रहा है। उन्होंने लिखा है, All of the recent Biden claimed state will be legally challenged by us for voter fraud and state election fraud. Plenty of proof. Just check out the media. We will win America first. ये ट्वीट किया है ट्रंप ने। और मैं आपको बता दूं, इसमें ट्रंप का ट्वीट का सबसे अहम बात बता दूं कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप का दावा जो वो सही हुआ है और बड़ी कानूनी जीत हुई है ट्रंप की। जो ट्रंप ने दावा किया है कि पेंसिल्वेनिया से उनकी बड़ी कानूनी जीत हो चुकी है, यानी कि क्या जो बाइडेन ने चुनाव जीतने के लिए बड़ा खेल खेला, उन्होंने बैलेट पेपर का हेर फेर किया। और इससे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे ने भी कल सुबह एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कुछ ब्रिकेस में कुछ चीजें उठाकर ले जा रहे थे, जिसके ट्रंप के बेटे ने, जूनियर ट्रंप ने कहा था कि ये लोग देखिए बैलेट पेपर के साथ क्या हो रहा है अमेरिका में। तो आपको बता दूं, अमेरिका में भी अब खेल शुरू हो गया है हिंदुस्तान वाला, और वैलेट पेपर को किस प्रकार से यहां पर खेल में पूरी तरह से चुनाव को पलटने की यहां पर कोशिश की जा रही। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने, बाइडेन की जीत को ले वाले सभी राज्यों में हम वोटर को फ्रॉड और स्टेट इलेक्शन फ्रॉड के कानून को चुनौती देंगे। बहुत सारे हैं, मीडिया देखते रहे, हम ही जीतेंगे। अमेरिका फर्स्ट ट्रंप के इस ट्वीट को बाद में ट्विटर ने भी छिपा दिया है। यहां साहब, ट्विटर ने इस ट्वीट को हटा दिया है, जो मैंने आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी। इससे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया था कि चुनाव के दिन बाद किया जाने वाला कोई भी वोट नहीं गिना जाएगा। हालांकि उनके पीछे कई ट्वीट के तरह के ट्वीट को भी विवादित और भ्रामक करार देते हुए छिपा दिया गया था। पिछले कई दिनों से ट्विटर राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट को चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वालों को मानते हुए छिपा रहा है। इससे पहले पिछले कुछ घंटे में ही जोर देते हुए दो बार ट्वीट करते वोटों की गिनती को बंद करने की मांग भी कर चुके हैं राष्ट्रपति ट्रंप। इससे पहले मैं बता दूं आपको, इससे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया था और दावा किया था कि पेंसिल्वेनिया में उनकी बड़ी कानूनी जीत हुई है। ट्रंप ने इसको लेकर के वोटों की गिनती को रोकने कर भी मुकदमा किया था। एक आपके सामने एक और ट्वीट दिख रहा है ट्रंप का। ट्रंप ने ट्वीट किया है, बिग लीगल विन इन पेंसिल्वेनिया, यानी कि यहां पर साफ तौर पे आपके सामने दिख रहा है ये
ट्रंप का ट्वीट था, ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि पेंसिल्वेनिया में उनकी कानूनी जीत हो चुकी है, बड़ी जीत हो चुकी है। बता दें आपको पेंसिल्वेनिया में हाल फिलहाल वोटों की गिनती जारी है, अब तक के रुझानों में मुताबिक 50.4% से आगे ट्रंप चल रहे हैं, जबकि बाइडन के पास 48.4% मत है। पेंसिल्वेनिया के 87% वोटों की गिनती हो चुकी है। पेंसिल्वेनिया काफी अहम प्रांत है जहां पर इलेक्ट्रोल वोटों की सीट जो है वो 20 है। इससे पहले बाइडन दावा कर चुके हैं कि वह चुनाव आसानी से जीत हासिल कर देंगे। वहीं बाइडन ने भी कहा है कि हर वोटों की गिनती होनी चाहिए, जिसके बाद ट्रंप ने ट्वीट करके कहा सिर्फ चुनाव के दिन पड़े वोटों के बाद कोई भी वोट नहीं गिना जाएगा। तो यहां पर एक के बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा दिए। अब अमेरिकी चुनाव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आप जिससे वाकिफ नहीं है, अमेरिका में जो वोटों की गिनती होती है उसमें कुल कोलेट्रल वोट की बात करें तो कुल 538 सीटें होती हैं। अब जैसे हम आपको हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव में 543 सीटें होती, उसी तरह से अमेरिका में 538 सीटें होती है। इसे कोलेट्रल वोट ना मान करके आप सीटों से कंपेयर करिए कि 538 सीटें होती हैं, उन 538 सीटों में 270 सीट पाने वाला व्यक्ति वहां पर विजयी हो जाएगा, मतलब 50% सीट से एक ज्यादा जो पा जाएगा वो वहां पर विजयी घोषित किया जाएगा, वो चुनाव में वो राष्ट्रपति बनने के लिए वो अग्रसर हो जाएगा। ये है वहां का। अब ऐसे में अब तक बाइडन के पास 263 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, ये नहीं वो जीत चुके हैं, वो आगे चल रहे हैं। और वहीं पर ट्रंप जो है वो कुछ 214 से 220 सीटों के बीच में वो आगे चल रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सीटों पर अभी आंकड़े आने बाकी हैं, तो वो आंकड़े जिस सीटों पर बाकी हैं वहां पर ट्रंप ज्यादा आगे चल रहे हैं अभी उन चीजों पर। और बहुत सारी जगहों पर जहां बाइडन पीछे आगे चल रहे हैं वहां उनका मार्जिन थोड़ा बहुत कम है उनका आगे चलने का। तो अभी भी मामला, क्योंकि आपको बता दूं अगर यूएस की जो पॉपुलेशन है 32 से 35 करोड़ के बीच में है, अगर यूएस की पॉपुलेशन में आपको पता है 3 नवंबर को चुनाव हुए हैं, 4 नवंबर से काउंटिंग हुई है और आज 6 नवंबर है और 6 नवंबर तक काउंटिंग नहीं हो पाई है। अगर सोचिए हिंदुस्तान में अगर हम अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं तो कितने दिनों तक हम चुनाव के परिणाम आ पाएंगे। हमें लगता है हमें 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा इन चुनाव के परिणामों के लिए। और आज जो ट्रंप का दावा है, क्योंकि यहां पर एक चीज साफ है कि इतना बड़ा कंट्री जहां पर सिर्फ 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों में भी इतना बड़ा पूरा का पूरा जो सिस्टम वहां का, उसके बावजूद भी वहां पर ट्रंप का दावा और पेंसिल्वेनिया में वो कह रहे हैं कानूनी जीत चुके हैं, यानी कि वहां पर साफ तौर पे क्या इस तरह की धांधली चल रही है। तो साहब हमारे यहाँ क्या होता रहा होगा जब बैलेट पेपर से चुनाव होता होगा, बहुत बड़ा सवाल है। और इन सवालों में यूं ही नहीं बिहार में गुंडा राज था, क्योंकि ये करते क्या थे, चुनाव थोड़ी करवाते थे, ये तो सिर्फ बैलेट पेपर को भर भर के अपने लोगों को और चुनाव को जितवा देते थे। और उसके बाद क्या होता था, जो बाकी होते थे वो बेबस होते थे, क्योंकि वो उनके पास कोई चारा नहीं होता था, क्योंकि लालू तो सारा चारा खा के बिहार के चुनाव को जीत जाते थे। चलिए इस वीडियो को खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहें ऑल न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।